कराची में इस्लामिया साइंस कॉलेज की इमारत खाली किए जाने के खिलाफ तलबा का एहतजाज बदस्तूर जारी है। सेक्टरी कॉलेज एजुकेशन के अलावा एसएसपी ईस्ट ने कॉलेज का दौरा किया है, प्रिंसिपल से मुलाकात भी की है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये बता रहे हैं अनवर खान। इस्लामिया साइंस कॉलेज को खाली किए जाने के हवाले से जब इंतजामी अमला और दीगर जिले इंतजामिया पुलिस अफसरान और पुलिस की नफरी यहाँ पहुँची है तो यहाँ पर तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। तलबा का कहना यह है कि इस वक्त इस तालीमी इदारे के अंदर कमोबेश 10,000 से ज़ायद तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम है। ताहम ज़िला इंतजामिया का कहना यह कि ये अदालती अहकामात हैं, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना लाजमी होता है। एसएसपी ईस्ट भी यहाँ पहुँचे हैं और वो कॉलेज प्रिंसिपल से उन्होंने मुलाकात की है, उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है कि इस कॉलेज की इंतजामिया के मुताबिक एक और केस इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे समाअत है जो कि महकमा तालीम की जानिब से है, मामला अदालती नोयत का है। तो इस हवाले से महकमा तालीम के जो अहकामात आएंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल तलबा ने जब यहाँ पर एहतजाज किया था तो उनकी जानिब से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। उस पथराव के जवाब के अंदर पुलिस ने जो यहाँ से तकरीबन 5 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार किया गया। यहाँ वक्त एसएसपी ईस्ट जो यहाँ पर मौजूद है, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन ने भी कॉलेज का दौरा किया है और इसके साथ साथ अब इसकी कानूनी नोयत क्या होगी इस हवाले से महकमा तालीम के हुकाम और ज़िला इंतजामिया के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। जी।